हेलो बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं बहुत मजेदार टॉपिक, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैपेसिटर का यूज डे टू डे लाइफ में भी होता है, आपने कैपेसिटर देखा भी जरूर होगा। पहले हेडिंग डाल लें, फिर शुरुआत करते हैं। कैपेसिटर, CAPA, CITOR एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर आपने देखा है, कभी कभी मिस्त्री से सुना होगा कि आपके पंखे की जो है रोटेशनल स्पीड कम हो गई, वो धीरे चल रहा है। आप मिस्त्री से कहते हो, सर भाई ये जो है धीरे चल रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाओ। तो क्या कहता है साहब, कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर बदलना पड़ेगा। तो क्या होता है, वो कैपेसिटर होता है। वो देखा होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का, चमकीला सा, सिल्वर कलर का। ठीक है, मिस्त्री से पूछना, और मुझे लग रहा है आपने देखा भी होगा। कई लोगों ने तो खुद ही सोचा होगा कि कैपेसिटर को बदल दें, बाजार से गए और कंडेंसर लाए और बदलना शुरू कर दिया। कई लोगों को करंट लग गया होगा। तो वो हम क्यों लगाते हैं, यही हम समझेंगे। उससे पहले आओ एक डेफिनेशन लिख लें, कैपेसिटर होता क्या है, फिर उस डेफिनेशन को समझेंगे। कैपेसिटर डेफिनेशन है, अब कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कंपोनेंट भी कह सकते हैं, वो एक कंपोनेंट भी है, दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल ELECTRICL, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बताओ बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है कैपेसिटर की डेफिनेशन। कैपेसिटर क्यों, क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। अब ये पंखे में क्यों लगा है? पंखे के अलावा इसको आपने देखा होगा पंप में लगा हुआ है, मोटर में भी लगा रहता है, कैमरे की फ्लैश में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है साहब ये, क्या इसका यूज है? जैसे पंखा होता है, इसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए। पंखे को वह नॉर्मल नॉर्मली चलने के लिए मान लो 5 एम्पियर का करंट चाहिए, लेकिन इसको इनिशियली स्टार्ट करने के लिए 25 एम्पियर का करंट चाहिए होता है, लगभग 25। तो इतना ज्यादा करंट इसे क्यों चाहिए इनिशियली? शुरू शुरू में जब हम बटन दबाते हैं तो बहुत करंट लेता है पंखा, तो इसे इतना क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन से बाहर निकलने के लिए पंखे को शुरू शुरू में बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है। और वो बहुत ज्यादा करंट उसे मिलता कैसे है? उसे वो बहुत ज्यादा करंट देता है कैपेसिटर, हमारा कैपेसिटर, यानी वो उस पंखे का दोस्त है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, पंखे को बहुत सारा करंट चाहिए, उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी पंखे को वो करंट देती है, और पंखा इनिशियल स्टैटिक फ्रिक्शन से बाहर निकल के घूमने लगता है। और फिर जब वो घूमने लगता है, फिर तो वो 5 या 6 एम्पियर के करंट में आराम से घूमता रहता है, घूमता रहता है, आपको ठंडी ठंडी हवा देता रहता है। और यही स्थिति उसकी है आपके मोटर की, टुल्लू पंप की, और भी बहुत रोटेटिंग डिवाइसेस होते हैं, और जैसे कैमरे की फ्लैश है, जब फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो बहुत तेज फ्लैश निकलती है। कैमरे की बैटरी इतनी तेज फ्लैश नहीं दे सकती,
उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो जैसे वो बटन दबाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फ्लैश को एनर्जी देती है, स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर की वो चली जाती है फ्लैश में और बहुत जबरदस्त फ्लैश बाहर निकलती है। चलो हम ये लिख लेते हैं कि कैपेसिटर क्यों लगा होता है किसी भी डिवाइस में, चाहे वो पंखा हो, टुल्लू पंप हो, कैमरा हो, मोटर हो। ठीक है, देखो सम डिवाइसेस, स्टार बना के लिख लेते हैं, सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे कि लाइक फैन, मोटर, पंप, कैमरा फ्लैश एटसेट्रा और बहुत है, रिक्वायर्स वेरी हाई करंट, वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम। हाई करंट उन्हें कब चाहिए? स्टार्टिंग में ही चाहिए, टू स्टार्ट देम। और क्यों? बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये एक समस्या है छोटी सी, छोटी नहीं, अगर किसी समस्या का सॉल्यूशन ना हो तो वो समस्या बड़ी होती है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? कैपेसिटर। तो ये लाइन लिख लें हम, क्या टू स्टैटिक फ्रिक्शन, सो दे मींस इस तरीके के डिवाइसेस, दे यूज कैपेसिटर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, देखो तो इस समस्या के निदान के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है इन डिवाइसेस में। चलो ये बात हो गई, अब हम समझते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है, व्हाट इज कैपेसिटेंस। अगली हेडिंग डालते हैं, तो ये तो हमारा हो गया कैपेसिटर, नाउ कैपेसिटेंस, सी ए पी ए सी आई टी ए एन सी ई। जैसे कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती थी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक एनर्जी या टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की क्षमता किसी भी कैपेसिटर की, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, याद रखना। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल, इसका सिंबल होता है सी, कैपिटल सी। फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन V। Q चार्ज है, V पोटेंशियल। मान लो ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम कंडक्टर भी कहते हैं।
कैपेसिटर, इसको हम कंडक्टर भी कहते हैं। जैसे कंडक्टर होता ना बस का, राइट, कैपेसिटर वी कॉल इट कंडक्टर। इसमें चार्ज है क्यू, चार्ज इज क्यू, पोटेंशियल इज वी। ओ पोटेंशियल इज वी, तो सी क्या होगा, क्यू बाय वी। ठीक, तो अब भाई इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट सी की यूनिट क्या होगी, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, कूलम पर वोल्ट, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, कूलम पर वोल्ट, इसको फैराड भी कहते हैं, फैराड, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, फैराड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। तो क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा फैराड, एफ की टर्म्स में इसकी यूनिट। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे होती थी रिप्रेजेंट, ओम्स में, ये फैराड में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आगे से हट रहा हूं, ये आप नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके। तो बच्चों आप ये सोच रहे होगे कि ये जो कैपेसिटेंस है इसका फॉर्मूला है क्यू बाय वी, और सर कहते हैं कि साहब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बात तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हो रही है, ये डिनोमिनेटर में V कहां से आ गया, ये होता ना कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू Q बाय V। साहब ये V कहां से आ गया, कैपेसिटेंस V पे क्यों डिपेंड कर रही है, तो ये एक समझने लायक बात है, आओ इसे समझाते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए ये एक कंडक्टर है या कैपेसिटर है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ये भरा हुआ है, किस चार्ज से भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। हम ये चाहते हैं कि हम इसमें और चार्ज स्टोर कर दें, तो हम बाहर से चार्ज भेज रहे हैं, छोटा सा चार्ज, हमने छोटा सा चार्ज डी क्यू भेजा, पॉजिटिव चार्ज भेजा। अब इसका पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर स्टोर करने के लिए हमें बाहर से कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा जिससे ये चार्ज, इस ये छोटा सा चार्ज इस कंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाए, वो वर्क है डी डब्ल्यू। तो ये डी डब्ल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर V पोटेंशियल है तो इसका फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। तो इसका क्या अर्थ हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V डी क्यू। इसका यह अर्थ हुआ कि अगर इस कंडक्टर की पोटेंशियल वी इस कंडक्टर की पोटेंशियल है, अगर वो पोटेंशियल ज्यादा होगी तो चार्ज को स्टोर करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा पोटेंशियल होगी उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा बाहर से चार्ज को अंदर लाने के लिए, यानी कि स्टोर करने के लिए। आई बात समझ में, अब जब ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जितना ज्यादा वर्क डन उतनी कम कैपेसिटेंस, जितना ज्यादा वर्क डन उतनी ही कम कैपेसिटी है कैपेसिटर की, चार्ज स्टोर करने वाली कैपेसिटी उतनी ही कम है। तो कोई भी अच्छा कैपेसिटर तब अच्छा होता है जब उसकी पोटेंशियल कम हो, क्योंकि उतना ही कम काम करना पड़ेगा चार्ज स्टोर करने के लिए। तो
तो इसलिए जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होती है, ठीक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होती है। अब ये बात आप लिख लो, कहां लिखोगे? इफ पोटेंशियल इज लार्ज, स्टार लगा के लिखो, इफ पोटेंशियल इज लार्ज, यानी कि कैपेसिटर की पोटेंशियल जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं इज लार्ज कॉमा मोर वर्क डन इज रिक्वायर्ड, टू स्टोर द चार्ज, हाँ, चार्ज टू स्टोर द चार्ज विच डिक्रीजेस कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये बात हमने भाई इंग्लिश में लिख दी, हिंदी में समझा दी, इंग्लिश में लिख दी, आपकी समझ में आ गई। इसका क्या अर्थ हुआ? दिस मीन्स इफ पोटेंशियल इज स्मॉल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज लार्ज, लार्ज को हम ये भी कह सकते हैं गुड, यानी अच्छी कैपेसिटेंस होगी अगर पोटेंशियल कम होगा किसी भी कैपेसिटर का। सही है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपके? हाँ साहब आ गई, बिल्कुल सही से आ गई, बहुत बढ़िया से आ गई होगी। क्यों जागो जागो, यहां पे ध्यान दो। चलो पर बच्चों एक सच्चाई भी है जो तुम्हारे सामने लानी जरूरी है। भाई आपने रेजिस्टेंस पढ़ चुके हो, रेजिस्टेंस क्या होती है? वी बाय आई पढ़ा है, लेकिन रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना करंट पे। ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना ही करंट पे, लेकिन फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी बाय आई। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि ज्योमेट्रिक कंफिग्रेशन पे डिपेंड करती है किसी भी रेजिस्टर के, लेंथ पे और एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी रेजिस्टर की शेप और साइज क्या होगा उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। इसी तरीके से यही सच्चाई है कैपेसिटेंस की भी, जो सच्चाई रेजिस्टेंस की है वही सच्चाई कैपेसिटेंस की भी है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, द फैक्ट इज दैट कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन अपॉन क्या? क्यू एंड वी, चार्ज एंड पोटेंशियल। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी। इस इंपॉर्टेंट बात को रेड मार्कर से हाईलाइट कर लेते हैं और एक बात और लिखते हैं कि कैपेसिटेंस फिर डिपेंड किस पे करती है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप साइज कॉमा सेपरेशन
एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है शेप पर, साइज पर, सेपरेशन और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पर। मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं तो उनके बीच कितना सेपरेशन है उस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी। कैपेसिटेंस मींस चार्ज को स्टोर करने की क्षमता किसी भी कैपेसिटर की, इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। चलो आज तो ये इंट्रोडक्शन हो गया है कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन हो गया। बस ये टॉपिक लिख देते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ये आप कॉपी कर लिया करो बच्चों, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उतारते रहा करो नोट्स। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है बोर्ड में, इसके बारे में लिखने को जरूर आता है कैपेसिटर के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो आगे के वीडियोस होंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बनेंगे। ये आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तब तक आप ये इंट्रोडक्शन दोबारा से देखो, वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन में भी कौन सा रॉकेट साइंस है, बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है। मेरे ख्याल से 15 मिनट का वीडियो होगा, इसे आपने देख लिया, कैपेसिटर आपको समझ में आ जाएंगे, फंडा क्लियर हो जाएगा कैपेसिटर का। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस वीडियो में। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय।